ओम सी माम सी माम बिंग बिंग बो तुम सस्ते नसे तार चिपक गई छाती से ओम सी माम सी माम बिंग बिंग बो। हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस आज भी मेरे पास बहुत सारी YouTube कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, वीडियो को अंत तक देखते रहना है दोस्तों। अगर तुम आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लेना, बिकॉज मैं सही आप लोग के लिए रेगुलरली न्यूज लाते रहता हूँ। नाउ बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं चपाती गेमर के बारे में। तो भाई चपाती गेमर के साथ में हो चुका है कल यार मोए मोए वाला मूवमेंट। बेसिकली हुआ क्या कि कल यार चपाती गेमर अपने मौसमी वाले चैनल के ऊपर यार लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, एंड वहां पर यार वो ऑडियंस के डिमांड पर तरह तरह के गाने वगैरह प्ले कर रहे थे। एंड एक गाना प्ले करने के बाद में उनके स्ट्रीम को YouTube ने भाई ब्लॉक कर दिया, एंड उनके साथ में भाई मोए मोए वाला मूवमेंट हो गया। अब इसी चीज पर वो रिएक्ट करते हैं अपने Instagram की स्टोरी पे, देखिए आप लोग। देखो ये मोए मोए तो सारे करते हैं, लेकिन लाइव स्ट्रीम के अंदर लाइव मोए मोए करके जब स्ट्रीम बंद होती है ना लाइव, और जब चैट उस समय LOL LOL लाफिंग इमोजी लाफ मी आउट लाउड स्पैम करती है ना, तब रियल मोए मोए होता है, रियल वाला। एंड नेक्स्ट न्यूज भी यार चपाती गेमर के रिलेटेड है। तो क्या भाई चपाती गेमर रियल लाइफ में टोटल गेमिंग से मिल लिए हैं? अबे समय क्यों गिरा हूं। तो बेसिकली हुआ क्या कि चपाती गेमर ने कल अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया, एंड ऑफ कोर्स ये बात यार ये एक फोटोशॉप की यार फोटो थी। तो इसी वाले पोस्ट के यार कैप्शन में वो लिखते हैं फाइनली टोटली नॉट फोटोशॉप। तो इसी वाले यार पोस्ट के नीचे काफी सारे यूट्यूबर्स ने कमेंट किया, जैसे कि टोटल गेमिंग कहते हैं हैकर है भाई हैकर है। एंड ऑल्सो मिस्टर ऋषि भी रिएक्ट करते हैं, वो कहते हैं एकदम असली। ऑल्सो और खतरनाक जान ने भी रिएक्ट किया, वो कहते हैं मैंने ही निकाला था ये वाला फोटो चपाती भाई का, एकदम असली। Also, देसी गेमर्स भी रिएक्ट करते हैं, वो कहते हैं इट्स रियल। Also, रॉनी ने भी यार कमेंट किया, और वो कहते हैं आई वाज देयर एंड आई कंफर्म दिस फोटो इज रियल। बाकी आप लोग का क्या कुछ रिएक्शन है इस फोटो को देखने के बाद में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात करते हैं कैसे फॉरेन कंट्री के कोर्ट के बारे में, जिसके ऊपर भाई एक बंदे ने लिटरली उसके जज के ऊपर भाई अटैक कर दिया। देखिए आप लोग वाली क्लिप को। एंड ऑल्सो आप लोग का क्या कुछ रिएक्शन है यार इस वीडियो के ऊपर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ओके, इससे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं बल्कि स्टार के बारे में। तो बल्कि स्टार यार कल अपने चैनल के ऊपर में काफी स्पेशल वीडियो को अपलोड करने वाले हैं। इसी के रिलेटेड यार स्नीक पिक देते हुए लाइक उन्होंने यार एक हिंट दिया अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में, एंड वो कहते हैं इट्स फाइनली कमिंग टुमारो 1 PM 5 January। दिस प्रोजेक्ट टुक हेल अ लॉट ऑफ द टाइम, आई होप यू गाइज लाइक इट, हियर इज द हिंट। एंड उन्होंने यार ये वाली फोटो के साथ में यार हिंट दिया, एंड इसके कमेंट्स में यार काफी सारे लोग ये कह रहे थे यार कि फुल नेदरराइट बीकन इन हार्डकोर वाली ये वीडियो होने वाली है। आप लोगों को क्या कुछ लगता है यार मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात कर लेते हैं टोटल गेमिंग के बारे में। तो क्या भाई टोटल गेमिंग ने अपना फेस रिवील करके यार कर दिया है एक बहुत बड़ा गलती। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो कल यार Instagram पे एक रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, जो रील यार इसी टॉपिक के रिलेटेड थी कि क्या भाई टोटल गेमिंग ने गलती किया है अपना फेस रिवील करके, क्या उनका चैनल यार अब डेड हो जाएगा। इसी के रिलेटेड यार बात करते हुए एक रील थी, देखिए आप लोग। क्या उखाड़ लिया फेस रिवील करके, इससे बढ़िया तो यार मत ही करता। ऐसा मैं नहीं, नीचे जनता कह रही है कमेंट सेक्शन में, और लोग कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली है क्योंकि अब ना क्रेज डाउन हो जाएगा और व्यूज कम हो जाएंगे। लेकिन मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है कि व्यूज डाउन होंगे। हाँ, क्रेज थोड़ा कम हो सकता है, अब वो वाली क्यूरियोसिटी या मिस्ट्री बनी नहीं रह गई, लेकिन हाँ व्यूज काउंट नहीं होंगे। अब लोग ना फैक्ट टेक से भी इसको जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि फैक्ट टेक चैनल का भी व्यूज कम हुए थे फेस रिवील के बाद। लेकिन अगर बात करें हमारे अज्जू भाई की, तो मेरे को तो लगता है थोड़े टाइम में कैरी मिनाटी से भी आगे निकल ही जाएंगे। ओके, सुबर्ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं धीरू मौंसी के बारे में। तो भाई धीरू मौंसी को चाहिए यार आप लोगों से यार एक हेल्प। बेसिकली हुआ क्या कि उन्होंने यार कल अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट किया वीडियोस के रिलेटेड बात करते हुए, जहां पर वो कहते हैं आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन गाइस, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू लाइक टू वॉच इन दिस चैनल, बताओ। उस टाइप की वीडियो से शुरुआत करते हैं न्यू ईयर की। एंड ऑल्सो यार वो थोड़े से कुछ यार ऑप्शन वगैरह को भी देखते हैं, आप लोग देख पाओगे। तो भाई आप लोग यार जाके बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन में यार धीरू मौंसी को कि उनको अपने यार मेन चैनल के ऊपर किस टाइप की वीडियोज को अपलोड करना चाहिए। एंड अगर धीरू मौंसी के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो बात कर लेते हैं UK07 रेडर के बारे में। तो अभी तक तो भाई आप लोग का न्यूज वगैरह से यार पता चली गया होगा कि UK07 रेडर जो है यार वो बिग बॉस 17 से निकाल दिए गए हैं, लाइक एविक्ट हो गए हैं। एंड ऑल्सो यार जैसे ही वो बाहर आए थे, तो इंटरव्यूज वगैरह में यार UK07 रेडर ने काफी ज्यादा यार मिस्ट्रीज वगैरह को भी यार बताया कि बिग बॉस में यार उनको काफी लेवल पे यार टॉर्चर किया जाता था। एंड आप लोग को तो यार अभी तक पता ही चल गया होगा कि UK07 रेडर को यार किस तरीके से बिग बॉस 17 से यार निकाला गया है, लाइक उनको वोटिंग करके नहीं निकाला गया, क्योंकि यार वोटिंग से निकालना उनको थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए यार बिग बॉस ने यार थोड़ी सी टाइप ऑफ तुम बोल सकते हो चीटिंग करके यार उनको निकलवा दिया। तो
इसी चीज पर यूके से सनाडर यार काफी ज्यादा इमोशनल भी थे कुछ इंटरव्यूज में, जहां पर उन्होंने यार ये भी यार रिवील किया कि बिग बॉस 17 के अंदर उनको काफी ज्यादा यार टॉर्चर टास्क वगैरह कराया जाता था। एंड ऑल्सो यार यूके राइडर ने यार ये सारी चीजें यार जब बाहर आके रिवील करी तो काफी सारे यूट्यूबर्स एंड ऑल्सो काफी सारे ऑडियंस भी यार अभी के टाइम पे यूके राइडर को यार सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि यार थगेश ने एक ट्वीट किया था इसी के सपोर्ट में एंड वो कहते हैं नो मैटर हाउ ही प्लेड एंड परफॉर्म, लेकिन ऐसा सब हो तो आई डोंट थिंक एनी यूट्यूबर शुड कंसीडर गोइंग टू बिग बॉस, वेरी सैड। इसके बाद में यार क्रेजी दीप ने भी यार सपोर्ट करते हुए यूके राइडर को एक यार ट्वीट किया था जिसमें वो कहते हैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ अनुराग धोबाल, लेकिन ये बहुत अनफेयर था स्टार्टिंग से टारगेट करना फिर ऑडियंस के बजाय घर वालों को ही वोटिंग करा के विक करवा देना। आई थिंक ऐसे बायर शो को हेट देना चाहिए और आगे कोई यूट्यूबर इस शो का पार्ट ना बने तो ही अच्छा है #BigBoss17। एंड ऑल्सो क्रेजी दीप के बाद में यार थाराबाई जोगिंदर भी सपोर्ट करते हैं यार यूके राइडर को यार अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी से। उन्होंने क्या कुछ कहा देखिए आप लोग। मैं बताऊं क्या सिस्टम है, यूके राइडर को बिग बॉस से बाहर क्यों निकाला, वो लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग जीते, वो लोग ये चाहते थे कि मुनावर जीते। सोचो जो मुनावर हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहा था आपसे 1.5-2 साल पहले, जिसको पुलिस ने उठाया था स्टैंड अप करते हुए, उसको तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो, और जो ये यूके राइडर ये खुले आम गरीब लोग की मदद करता है इसको कोई नहीं देख रहा। अबे आप कहां चले गए सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, अबे कहां चले गए यूट्यूबर, आप करो ना सपोर्ट बिग बॉस। तुम लोग यूके राइडर को वोटिंग के मामले में नहीं हरा पाए, इसलिए यूके राइडर को बिना वोटिंग के बाहर कर दिया। तुम्हें पता था अच्छे से अगर यूके रह गए ना 10 दिन और, तो हिंदुस्तान की कोई भी पावर यूके राइडर को बिग बॉस जीतने से रोक नहीं सकती। अब पता चलेगा सिस्टम हैंग किसे बोलते हैं। हिंदुस्तान उठो, यूके राइडर तेरे साथ है, अब होगी सोशल मीडिया हैंग। जय श्री राम। से यार मिला काफी बढ़िया सा गिफ्ट, इसी चीज को शेयर करते हैं वो अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे उसे गिफ्ट का फोटो लेके। एंड वो कहते हैं यो आई गॉट समथिंग द गिफ्ट ब्रो द कॉन्सेप्ट डैम। एंड आप लोग यार देख पा रहोगे काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट पे यार इस यार फोटो को बनाया गया था यार, आप लोग देख ही पा रहे होगे। आपका क्या कुछ रिएक्शन है इस चीज पर मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। एंड नेक्स्ट न्यूज भी यार ड्रीम बॉय के रिलेटेड है, तो ड्रीम बॉय ने भाई अपने फेस रिवील के रिलेटेड एक बहुत बड़े भाई अपडेट को बताया। बेसिकली हुआ क्या यार कि ड्रीम बॉय अभी जब रिसेंटली अपने चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो वहां पर यार वो रिवील करते हैं यार कि वो अपना फेस रिवील 24 जनवरी मंथ में यार वो अपना फेस रिवील करने वाले थे, बट भाई उन्होंने अपना फेस रिवील क्यों नहीं किया यार जनवरी में। एंड ऑल्सो यार वो ये भी बताते हैं कि वो अपना फेस रिवील कब करने वाले हैं। उन्होंने इसके रिलेटेड काफी बड़ा अपडेट दिया, देखिए आप लोग कि उन्होंने क्या कुछ कहा। तो मेरा बर्थडे आता है 2 जनवरी को, अब 2 जनवरी को मैंने पता है क्या सोचा था, आज से 6 महीने पहले मैंने एक बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, जो मैंने कहीं भी नहीं बताया था किसी को, मेरे दोस्तों को भी बताया था एक दो को। मैंने सोचा था कि मैं 2 जनवरी 2024 को फेस रिवील कर दूंगा, फेस रिवील कर दूंगा 2 जनवरी 2024 को। बट हियर इज अ ट्विस्ट, इधर एक ट्विस्ट था, इधर ट्विस्ट ये था कि अगर मैं अपने चैनल पे 10 मिलियन व्यूज ले रहा हूँगा 2-3 महीने से, बिकॉज मैं अपने मेन चैनल पे वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज मैं हो गया हूँ आलसी, तो उधर मेरे को वीडियोस डालनी पड़ेंगी उसके लिए, और उसके लिए मुझे 10 मिलियन व्यूज लेने पड़ेंगे हर महीने पूरे ओवरऑल, तो वो 10 मिलियन व्यूज नहीं आए और मैंने फेस रिवील भी नहीं करने वाला इस बार 2024 को, लाइक 2 जनवरी को। तो मैं ठीक है तुम लोग को बता देता हूँ, अगर मेरे 3-4 महीने में एटलीस्ट अगर मैं 10 मिलियन व्यूज़ गेन कर रहा होता हूँ, 10 मिलियन व्यूज़ गेन कर रहा होता हूँ तो मैं फेस रिवील कर दूंगा। मतलब तुम लोग को दिख रहा हो ना कि ड्रीम बॉय गए 10 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो समझ जाना 4th-5th महीने में मैं फेस रिवील कर दूंगा। सीरियसली बेशरम तो पागल बना रहे थे भाई, मैं पागल नहीं बना रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैं सोच के आया था कि मैं 2 जनवरी को फेस रिवील कर दूंगा, आज से 2 महीने पहले भी सोच रखा था मैंने कि यार बस बहुत हो गया, कितना मास्क पहनूंगा मैं, कितना मास्क पहन के वीडियो बनाऊँ, अब तो भाई बस कर ही देते ना फेस रिवील 1 डे बिफोर माई बर्थडे। ओके सो सिरीना 69 तुम्हारा बर्थडे 2 जनवरी को आता है। ओके सो बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं नादिया के बारे में। अगर आप लोग यार नादिया को नहीं जानते तो भाई मैं आपको बता दूं यार कि नादिया एक काफी बढ़िया ट्विच स्ट्रीमर है, ऑल्सो यार ये एक ई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी भी है। तो लाइक होता क्या है कि अभी यार रिसेंटली ही जो कॉल ऑफ ड्यूटी का टूर्नामेंट्स वगैरह कराए जा रहे हैं वहां से भाई नादिया को बैन कर दिया गया है, लिटरली उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। अब इसका रीजन भी जानकर आप लोग यार हैरान हो जाओगे, उनको बैन इसलिए किया गया है यार क्योंकि यार नादिया जो है वो अपने यार इंस्टाग्राम पे अपने सोशल मीडिया पे भाई बिकनी में फोटोज वगैरह को अपलोड कर रही है, एंड शायद यार इसी वजह से यार उनको प्रॉब्लम है
लाइक सीओडी के टूर्नामेंट्स वालों को, इसलिए भाई उन्होंने उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया, उनको बैन कर दिया टूर्नामेंट्स में जाने से। आपका क्या कुछ रिएक्शन है इस न्यूज के ऊपर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ओके, सो बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो क्या भाई टेक्नो गेमर्स अभी के टाइम पे सारे यूट्यूबर्स एंड ऑल्सो सारे हीरो मैन एसएमबी के मेंबर्स यार गुस्सा हो चुके हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो बेसिकली हुआ क्या कि यार अगर आप लोग अभी के टाइम पे यार टेक्नो गेमर्स के इंस्टाग्राम पेज को खोलोगे तो वहां पर अगर आप लोग यार उनके फॉलोइंग्स को देखोगे तो भाई अभी के टाइम पे से 5 फॉलोइंग है एंड कुछ ही दिन पहले तक यार उनकी फॉलोइंग 300 से ज्यादा थी। मतलब यार उन्होंने सारे के सारे यूट्यूबर्स को भाई अनफॉलो कर दिया है एंड जिनको यार जिन 5 लोग यार उन्होंने फॉलो करके रखा है आप लोग यार देख पा रहोगे, सबसे पहले तो यार उनकी मम्मी का अकाउंट है, इसके बाद उनके भाई का अकाउंट है एंड ऑल्सो उन्होंने यार अपने टेक्नो गेमर्स एंड ऑल्सो टीजी नेटवर्क वाले अकाउंट को भी भाई फॉलो किया हुआ है एंड ऑल्सो एक रैंडम लड़की अल्पना जैन को भी भाई फॉलो किया हुआ है। मेनली अभी के टाइम पे यार टेक्नो गेमर्स ने अपने इंस्टाग्राम पे सिर्फ 5 लोग को ही फॉलो किया है एंड बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले यार वो 300 लोग को फॉलो करते थे। अब पता नहीं यार हो सकता है कि कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से उन्होंने अनफॉलो कर दिया हो या फिर यार जब भी यार टेक्नो गेमर्स रिएक्ट करेंगे तो मैं भाई आप लोगों को बता दूंगा कि क्या कुछ यार सीन है, उन्होंने अनफॉलो क्यों कर दिया सबको। बाकी आप लोगों को क्या कुछ लगता है यार कि उन्होंने क्यों अनफॉलो किया होगा, मेरे को भाई कमेंट्स में जरूर बताना अपने ओपिनियंस को। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात कर लेते हैं मैक्सटन के बारे में। तो भाई मैक्सटन ने यार साउथ कोरिया को एक्सपोज किया। बेसिकली हुआ क्या कि अभी यार मैक्सटन ने कुछ दिन पहले अपने चैनल के ऊपर में एक साउथ कोरिया के ऊपर एक वीडियो को अपलोड किया था जिसमें यार वो साउथ कोरियन पीपल एंड ऑल्सो यार साउथ कोरिया के कुछ लोग यार वो एक्सपोज कर रहे थे। तो बेसिकली होता क्या है कि एक यार साउथ कोरियन कंपनी उनके इस वीडियो को भाई कॉपीराइट मार के भाई डिलीट करवाना चाहती थी। इसी चीज को उन्होंने यार शेयर किया, उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक ट्वीट किया एंड वो कहते हैं अ बिग साउथ कोरियन कंपनी ट्राई टू टेक डाउन माय वीडियो यूजिंग लीगल एक्शंस और कॉपीराइट लॉ बट यूट्यूब रिजेक्टेड देम। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं देसी गेमर्स के बारे में। तो भाई यार जो देसी गेमर्स का व्लॉग चैनल है अमित शर्मा के नाम से उस पर कंप्लीट हो चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। इसी के ऊपर यार वो रिएक्ट करते हैं, वो कहते हैं 2024 विल बी फायर। बाकी आप लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है इस चीज में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलो यार गाइस बस अभी के लिए इतनी न्यूज थी एंड आगे जब न्यूज मिलेगी यार मैं आप लोग कनेक्शन में बता दूंगा। न्यूज सबमिशन के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप लोग वहां पर जाकर कुछ न्यूज को सबमिट करोगे तो यार डेफिनेटली मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट दूंगा एंड मैं मिलता हूं भाई आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।